सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। हेलो गाइस, तो जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे कुछ अपन ब्लैक व्हाइट वीडियो एडिटिंग करना सीखेंगे, जो कि ब्लैक व्हाइट इफेक्ट वीडियो एडिटिंग करना सीखेंगे। जैसे कि मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ कुछ अपना पहले तो इस तरह का ब्लैक व्हाइट स्क्रीन इफेक्ट चलेगा। और गाइस इसके बाद क्या होगा, अपनी कुछ वीडियो चलेगी जो कि माँ इफेक्ट वाले वीडियो में इसके मैं एडिटिंग करना सिखाऊंगा। तो गाइस सबको वीडियो पसंद आना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस तरह से अपने फोटो आएंगे। अदर गाइस आपकी फैमिली के साथ अदर किसी के साथ भी ऐसा फोटो वीडियो बना सकते हो। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर। आपको सबसे पहले क्या करना गाइस, आपको इस प्लस के आइकन क्लिक करके और आपको 916 का फ्रेम चूज़र गाइस नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे गाइस, यहाँ से अपन इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे गाइस अपन ब्लैक इफेक्ट चुन लेंगे। अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ से आपको थोड़ा सा जूमिंग कर लेना है वीडियो को और इसके बाद क्या करेंगे गाइस इस लेयर पे चलेंगे। तो अपन पहले इसका बैकग्राउंड थोड़ा बड़ा कर लेते हैं गाइस, ताकि अपनी वीडियो बनाने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक ना। तो इस तरह से आपको 15 से 30 सेकंड का इस बैकग्राउंड को कर लेना। अब क्या करना गाइस, आपको लेयर पे जाना है, मीडिया ऑप्शन क्लिक करना है और गाइस क्या करना है, यहाँ से कुछ ब्लैक स्क्रीन में मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी डाल दूंगा। तो गाइस पहले वीडियो को देख लीजिए कैसे एडिटिंग करना है, इसके बाद वो इफेक्ट वीडियो आप डाउनलोड करके वहाँ से ऐसी वीडियो बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको लेके दिखा देता हूँ बैकग्राउंड वीडियो। तो गाइस आपको कुछ इस तरह का बैकग्राउंड वीडियो ले लेना है। अब क्या करना गाइस, आपको इसे स्प्लिट स्क्रीन क्लिक करना और आपको इसका फुल स्क्रीन कर देना है पहले, ठीक ना। तो इस तरह से बैकग्राउंड की वीडियो को लेने के बाद आपको फुल स्क्रीन करने के बाद क्या करना गाइस, थोड़ा सा वीडियो को स्किप करना है इस तरह से, जैसे कि मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ठीक ना। इतना आपको स्किप कर लेना और यहाँ से जो अपना ब्लैक स्क्रीन जो इफेक्ट स्टार्ट होता है, तो गाइस थोड़ा थोड़ा आपको वीडियो को स्किप करना और इस तरह से देख लेना है। अगर आपका वीडियो नहीं तो ये योद्धा माँ लिखा है यहाँ पे, इस तरह से देख लेना है और थोड़ा सा वीडियो को स्किप करना और यहाँ पे इसके करना इसका कटिंग कर लेना है थोड़ा सा, ठीक ना। तो क्या करेंगे गाइस, अपन इस कैची को ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और डबल स्लाइड स्प्लिट हेड प्ले हेड लिखा है, स्प्लिट हेड प्ले हेड, इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे इसका अगला पार्ट हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या करेंगे, अपन लेयर पे चलते हैं, मीडिया ऑप्शन क्लिक करते हैं और गाइस यहाँ से कुछ अपन को वो फोटो चुन लेना है जिसका आप वो वीडियो बना रहे हैं, ठीक ना। तो आप किसी का भी फोटो ले सकते हो। तो गाइस मैं डेमो के लिए कुछ माई इफेक्ट फोटो मैंने डाउनलोड कर रखे, तो वो मैं आपको लेके स्क्रीन पर दिखाऊंगा, ठीक ना। तो मैं वो फोटो ले लेता हूँ यहाँ से, कुछ मेरा एंड मास्टर स्लो काम कराए। तो गाइस आपको वीडियो को बीच में बिल्कुल भी नहीं करना है, और अदर गाइस आपको कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो को जो कि मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अदर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस इस तरह से आपको फोटो को जूमिंग कर लेना, और क्या करना गाइस यहाँ से इस तरह से फोटो को जूमिंग कर लेना। जूमिंग करने के बाद क्या करोगे, इस पे जाओगे थ्री डॉट पे और इसका तरीका सेंड टू बैक, सेंड टू बैक पे क्लिक कर दोगे और इसके बाद क्या करोगे, यहाँ से आपको फिर से वीडियो को स्किप करना है और इस पे क्लिक करके और आपको फिर से लेयर पे जाना, मीडिया ऑप्शन क्लिक कर लेना है। मीडिया ऑप्शन क्लिक करने के बाद क्या करना गाइस, आपको फिर से इमेज चुन लेना है। तो गाइस अब आपका प्रॉब्लम है इसमें कितना आपको फोटो ऐड करना है। अदर गाइस मैं दो फोटो का आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ ताकि अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबी ना हो। अदर गाइस आप चाहो तो ज़्यादा फोटो की वीडियो बना सकते हो, ठीक ना। तो एक फोटो अपन ले लेते हैं और इस पर सेंड टू बैक कर देते हैं। अब क्या करना गाइस, जो अपन ने वीडियो कटिंग किया तो उस पर क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे अपन ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर। ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाने के बाद क्या करेंगे, इसका स्क्रीन कर देंगे, स्क्रीन करने के बाद राइट का ऑप्शन क्लिक कर लेंगे और आप क्या करेंगे, वीडियो जो फोटो अपने लास्ट का लिया था इसको अपनी जो वीडियो अपने बैकग्राउंड वीडियो ले उसी के बराबर कर देंगे, ठीक ना। तो आप क्या करेंगे, इसे अपने वीडियो को चला के देखेंगे अपना वीडियो कुछ किस तरह से एडिट होंगे। तो गाइस पहले तो अपना इस तरह से लेयर सॉन्ग चलेगा जो कि बड़ी आसानी से, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, खाली ऐड करना है, ठीक ना। और इसके बाद क्या होगा गाइस, जो कि इफेक्ट अपने लगाया था उसके बाद अपने जो इफेक्ट स्टार्ट होगा देख सकते हो, इस तरह से अपना यहाँ तक इफेक्ट चलेगा जो कि कुछ और चलेगा इफेक्ट, जो अपना पूरा लेयर सॉन्ग खत्म हो जाएगा जैसे ये इफेक्ट के साथ अपना फोटो निकलेगा। अदर गाइस इसको स्लाइड करना चाहते हो स्लाइड भी कर सकते हो, अदर गाइस ऐसे फोटो रखना चाहते हो तो ऐसे भी रख सकते हो। गाइस आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।